किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो कौन कौन से फेनोमेना उसके अंदर होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कैसे उनका कोलिजन होता है ना, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर समझेंगे। तो ये हम लोग अभी समझने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। एक्चुअली मैं जैसे कोई कंडक्टर है ना, और यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन द ऑब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड ही नहीं होता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कौन क्रिएट करता है, बैटरी। तो बैटरी लगाने से वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, जो चार्जेस पर फोर्स लगाता है तब चार्जेस मूव कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्जेस सारे रुके हुए रहते हैं, तो उन पर कोई फोर्स लगता नहीं है, कोई फील्ड भी नहीं होता, ठीक। तो यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो इसलिए होता है कि चार्ज सारे स्टेशनरी हैं, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम लोग जो चार्जेज को मूव कराने तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते ही उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो चार्जेज पर फोर्स लगता है और इसलिए वो चलना शुरू करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, उस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारे रैंडम मोशन करते हैं जिगजैग पाथ पर, कुछ इस तरह से। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहां पर कहीं लैटिस स्ट्रक्चर से टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, फिर इधर भागेगा, है ना, इधर से इस तरह से ये भागता रहता है। तो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि इन द ऑब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली ऑन जिगजैग पाथ लाइक गैसियस मॉलिक्यूल्स। जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है ना स्पेस में मूव करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहते हैं। इनकी अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी जो होती है, वो भी काफी ज्यादा होती है, 10^6 मीटर पर सेकंड के आसपास कहीं होती है, ठीक। और जब ये मोशन करते रहते हैं तो बीच बीच में टकराते रहते हैं, टकराने की वजह से अपना डायरेक्शन मोड़ते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, इधर उधर ये घूमते रहते हैं। तो आप कोई भी क्रॉस सेक्शन लेंगे यहां पर, तो चूंकि सारे इधर उधर घूमते रहते हैं उसी में, तो जैसा कि हमने गैस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल जो है घूम फिर करके उसी कंटेनर के अंदर रहते हैं। यहां भी वैसे ही है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया है तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन सब रैंडम मोशन करते रहते हैं और घूम फिर करके वहीं पर रहते हैं इधर उधर, है ना। तो किसी क्रॉस सेक्शन को जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से पार कर रहे होंगे उतने उधर से भी पार कर रहे होंगे, तो ये कहा जा सकता है कि नेट चार्ज जो है किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाला जीरो है, इसलिए करंट जीरो होता है, है ना। सो करंट बिकम्स जीरो एज नेट चार्ज क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन इज जीरो, ठीक। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे फिर क्या होगा, अगर जैसे यही कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है, यहां पर हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया, है ना। बट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने बैटरी लगाया इधर, है ना, और बैटरी इधर लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है,
कंडक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था, ये पहले क्या करता था, पहले जाता था ये ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये यहां से ऐसे जाता था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो। अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तो ये यहां नहीं जाकर के ये क्या होगा, ये थोड़ा आगे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, यहां पहुंच जाएगा। अब यहां से टकरा करके इसको हो सकता था कि इसको जाना था इधर, लेकिन अब जाना था इधर, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है इस पर, तो ये इधर रह जाएगा कहीं पीछे, मतलब थोड़ा थोड़ा इधर खिसकना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होने लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ऐसे समझे कि ये पहले कभी इधर जाता था, कभी इधर जाता था, इधर जाता था, तो अब जो है क्योंकि फोर्स लग रहा है तो अब थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, इधर जाता था तो इधर जितना जाता था उससे कम जाएगा क्योंकि एक फोर्स लग रहा है इधर, तो थोड़ा थोड़ा उसका ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कह सकते हैं, बट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब जैसे यहां पर बताया कि बीच बीच में लैटिस से टकराते भी रहते हैं, मतलब दूसरे किसी एटम से टकराते रहते होंगे, किसी मॉलिक्यूल से टकराते रहते होंगे, तो या जब टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, यहां पर क्या हम लोग मानते थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मानते थे कि जब टकराते हैं तो कोलिजन जो होता है इलास्टिक होता है, उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, तो यहां भी वैसा ही है, ये थर्मल मोशन हो रहा है तो ये जब भी टकराते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो उतनी ही रह जाती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी एक्वायर करते हैं, मतलब थर्मल मोशन की वजह से जो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है जब किसी लैटिस से, किसी एटम से जाकर के वो टकराते हैं, है ना। जब जीरो हो जाती है फिर जीरो वेलोसिटी से शुरू करते हैं और वो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। कौन सी वेलोसिटी बढ़ती है, एक्स्ट्रा वाली, है ना। मतलब कि एक पहले से थर्मल मोशन है, वो वाले मोशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो हमेशा उनके पास रहता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आया है, एक्स्ट्रा स्पीड आया है, वो टकराने के बाद जीरो हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको एक्सेलरेट करता है, तो जब तक अगला टक्कर नहीं होता तब तक वो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, अगला टक्कर होते फिर वो एनर्जी गायब हो जाती है, फिर जीरो से शुरू करता है। तो इस तरह से इसका जो मोशन है वो चलता रहता है। तो कहते हैं एक टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है, उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप मिलता है इलेक्ट्रॉन को, उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव और कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स, ठीक। और ये तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया, एक्चुअली में ये एवरेज टाइम होता है, सारे रिलैक्सेशन टाइम बराबर नहीं होते, ये इसको कहा जा सकता है एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको मीन फ्री पाथ कहा जाता है, एक टर्म होता है मीन फ्री पाथ, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, इट इज एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड
by electron during relaxation period. ठीक, अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो होता है मीन फ्री पाथ पर यूनिट रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एवरेज वेलोसिटी जो उसने एक्वायर किया दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। जो रिलैक्सेशन टाइम है इसको भी एक सिंबल दिया जाता है, इसको टॉ लिख सकते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन यहां पर आगे देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया यहां पर कि थर्मल मोशन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है वो कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होना शुरू करते हैं। तो जो ड्रिफ्ट शुरू होता है वो एक्स्ट्रा वाली वेलोसिटी है, मतलब कि थर्मल मोशन के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाती है जिसकी वजह से वो आगे खिसकना शुरू करते हैं। तो वो एवरेज वेलोसिटी जो है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। एक्चुअली में इसका जो डिफिनीशन है वो ये है, इट इज एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड by an electron during relaxation time। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं relaxation time में जो distance travel करता है उसको हम लोग कहते हैं mean free path। तो mean free path की अगर value निकालनी हो तो मैं लिखूंगा ut plus हाफ ए, टी के जगह पर टॉ रख सकते हैं, रिलेशनशिप टाइम में निकाल रहे हैं हम लोग, हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे यूज करेंगे। मैंने कहा कि हर कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, और फिर जीरो से शुरू करता है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो, जैसे एक कोलिजन हुआ उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, जब तक अगला कोलिजन नहीं होता तब तक ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगले कोलिजन तक जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको लिखेंगे हम लोग इतना हाफ, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इस पर जो फोर्स लगेगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, ये एक्सेलरेशन हो गया, इनटू रिलैक्सेशन टाइम का स्क्वायर। तो ये आ गया मीन फ्री पाथ। अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होगा तो हमें लिखना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ये होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि दो कोलिजन के बीच में, दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में इसने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया लैम्डा, और ये हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई हाफ ई बाई एम इंटू टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया ये हो गया ई इंटू ई टॉ स्क्वायर, टॉ हो जाएगा एक टॉ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2m, है ना। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जो है ऐसा माना जाए कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने किसी ऐसे बैटरी से जोड़ा है जिसके अक्रॉस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस V रहता है। ये V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ मान लिया L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाई L, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डीआर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई टू डीआर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ई है और एक्चुअली में डीआर है यहां से यहां तक के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई एल हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट
इन द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर में करंट होता है एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने निकाला था जब जब जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ऐसे कंडक्टर से होकर के फ्लो कर रहा है। तो यहां से अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दें इसमें से इसमें, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू ई टॉ, है ना, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2m, ये हो जाएगा। तो एन ई स्क्वायर इंटू ए टॉ डिवाइडेड बाई 2m। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो ये हो गया एन ई स्क्वायर ए टॉ बाई 2m। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ v बाई l, ऐसे लिखा जा सकता है, है ना। तो अब देखेंगे कि ये हो गया I इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2m l डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर a इंटू टॉ। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखेंगे ये वाला सारा टर्म जो है ये कांस्टेंट रहेगा। अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर का लेंथ फिक्स्ड रहेगा, एरिया फिक्स्ड रहेगा, मास जो है इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड ही है। तो होगा क्या कि ये सारा टर्म जो है पूरा एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, है ना। और ये वाला जो टर्म है इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, वेयर आर इज इक्वल टू 2ml डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ इज रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, या सिंपल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो बार बार वो टकराते हैं, जब टकराते हैं तो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज कर देते हैं, नहीं, और जब लूज करते हैं वो एनर्जी हीट के फॉर्म में जो है बाहर इमिट हो जाती है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो कंडक्टर ऐसा हो जिसमें बार बार टक्कर हो रहा हो, ज्यादा टक्कर हो रहा हो, हर बार इलेक्ट्रॉन अपनी ज्यादा एनर्जी लूज करता है, तो वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहे, बहुत ही कम कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड में, तो उसमें एनर्जी भी लॉस कम होगा, ठीक है। तो यहां रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो उसके मोशन में एक रेजिस्टेंस आता है, किस कारण से, कोलिजन की वजह से। तो ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब ज्यादा कोलिजन, ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा एनर्जी लॉस। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। तो अभी जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है उस ओम्स लॉ को मैं यहां पर लिखता हूं कि करंट थ्रू अ कंडक्टर, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, है ना। तो जैसा कि हमने वहां फिगर बनाया था, जैसे ये कंडक्टर है और यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V,
ये जो वी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस है, ठीक है। यहां कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता, इधर भी कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता, मतलब जो अगर मैं कहूं कि यहां का पोटेंशियल जीरो है तो यहां भी पोटेंशियल जीरो होगा। अगर यहां का पोटेंशियल वी है, क्योंकि यहां पोटेंशियल वी दिया हुआ है, तो ये छोटा प्लेट है, ये जीरो पोटेंशियल पर और ये वी पोटेंशियल पर, तो यहां का पोटेंशियल भी वी होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा करंट यहां पर फ्लो करेगा। ये कहा गया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हमने यहां पर लिखा है, देखें आप यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये आया है 2ml by ne स्क्वायर a tau, इसको यहां पर लिखते हैं 2ml डिवाइडेड बाई ne स्क्वायर a tau, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, जहां पर जो रो है इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। तो रो की वैल्यू हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ, ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। एक्चुअली में जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कंडक्टर का जो ज्योमेट्री है उस पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है लेंथ एरिया इस पर भी डिपेंड करता है, और जो रो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, और एक ऐसा ही टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है ये रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, वन बाई रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई टू एम, ठीक। किसी किसी बुक में आप देखेंगे, जैसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहां पर टू नहीं होता बल्कि सिर्फ एम होता है ना। किसी बुक में ऐसा होता है, किसी मतलब किसी बुक में नीचे टू होता है, किसी बुक में देखेंगे आप टू नहीं दिया होता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से जो है यहां पर टू होना चाहिए। एच सी वर्मा में जैसे यहां पर टू देखेंगे कि टू दिया होगा, वो इसलिए क्योंकि हम लोग ये एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला तो एवरेज का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमने इसको एक्सेलरेट करा है, एक्सेलरेट करा है तो हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर आएगा और बाई टॉप। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सीधा जो है अगर कोई एक्सेलरेट नहीं करता है तो डायरेक्ट जो है वो बिना एक्सेलरेशन के ए इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला लगाता है, तो उसमें ये टू जो है ये नहीं आता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां पर टू आना चाहिए, क्योंकि लैम्डा जो है वो शुरू में हमने ये माना है कि दो कोलिजन के बीच में ये एक्सेलरेटेड है, तो यहां से यहां जो है उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी उसकी बदल रही होगी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल ऐसे निकालेंगे तो नीचे टू वाला फैक्टर आता है, ठीक। अब जो कंडक्टिविटी है, एक्चुअली में यहां पर टू किस वजह से आया, क्योंकि वीडी में टू आया था, इसीलिए यहां भी रेजिस्टिविटी में ऊपर टू आया है, क्योंकि वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में टू फैक्टर आया था, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो आई है उसको ओम्स लॉ से वी वाई आर लिख सकते हैं, है ना। यहां पर हमने कहा था कि ये आई है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और ये हो गया रेजिस्टेंस। तो नीचे वाला जो टर्म है ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं रो एल डिवाइडेड बाय ए, यानी कि वी इंटू ए डिवाइडेड बाय रो इंटू एल। तो जो करंट है इसमें से ए को इधर ले आते हैं, ठीक, तो बाकी उधर बच जाएगा वी बाय एल इंटू वन बाय रो,
अब हमें पता है कि आई बाई ए जो है ये एक्चुअली में करंट डेंसिटी होता है, ठीक, और वी बाई एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वन बाई रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर चाहे तो हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाई रो जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब भी हम लोग किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे ये कंडक्टर हो गया है ना, अब ये कंडक्टर हो गया, यहां पर हमने बैटरी लगाया है, तो इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट के पैरेलल जो भी डायमेंशन होगा उसको हम लोग लेते हैं लेंथ, और करंट के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा उसको उसका एरिया को हम लोग लेते हैं एरिया। मतलब जब भी रेजिस्टेंस निकालना हो तो रो एल बाई ए, ठीक, तो लेंथ क्या लेंगे, मतलब करंट के पैरेलल वाला डायमेंशन लेंथ माना जाएगा और करंट के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा उसका एरिया ए लिया जाएगा, और रो जो है ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मैंने एक कंडक्टर दिखाया है, ये एक तरह से क्यूबॉइड जैसा है कुछ, तो इसका ये वाला साइड का लेंथ है ए, ये वाले साइड का लेंथ है बी, और वर्टिकल साइड का लेंथ है सी, ठीक। तो अब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे ये वाला साइड है, इसको और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है ना, कुछ इस तरह से बैटरी से जोड़ दिया, तो देखेंगे कि इसमें करंट जो है वो इधर फ्लो करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस पूछा जाए, तो क्या लिखेंगे, इसकी रेजिस्टिविटी इनटू इसका करंट, चूंकि इधर जा रहा है तो करंट के पैरेलल जो भी डायमेंशन होगा इसको हम लोग मानेंगे लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ ए, और करंट के परपेंडिकुलर जो सरफेस है ये वाला, इसका एरिया लिया जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू सी, ठीक। और बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल यही कंडक्टर है, इसी कंडक्टर का मैं दूसरा फिगर बना देता हूं। अब इसमें हमने क्या किया कि ये ऊपर वाला जो सरफेस है इसको, और जो नीचे वाला सरफेस है इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, कुछ इस तरह से। तो इसमें करंट तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऊपर वाला हाई पोटेंशियल, नीचे लो पोटेंशियल, ऐसे करंट आएगा। इसमें हाई पोटेंशियल यहां जोड़ा था, लो पोटेंशियल यहां जोड़ा था, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक। इसमें जैसा कि लेंथ हमने ये ए लिया था, तो ये लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें करंट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अगर यहां पर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टिविटी लेंगे रो, लेंथ कौन सा लेंगे, लेंथ इसमें करंट के पैरेलल ये सी है ना, तो इस बार लेंथ के जगह पर सी लेना पड़ेगा, और एरिया कौन सा लेंगे, करंट के परपेंडिकुलर ये वाला सरफेस जो है इसका एरिया लेंगे, जो कि ए इंटू बी आएगा, है ना। तो इसका एरिया यहां पर हमें लेना चाहिए, ये एरिया हो जाएगा करंट के परपेंडिकुलर, और करंट के पैरेलल जो है वो लेंथ हो जाएगा। तो यहां भी वैसा ही किया, यहां पर मैंने जो समझाया था एक्चुअली में इसी पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। तो जब भी रेजिस्टेंस निकालेंगे ध्यान रखेंगे करंट के पैरेलल वाला जो डायमेंशन है वो लेंथ होगा, और उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसका एरिया हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मान के चलना है।